ओ माय गॉड, बिग बॉस 17 का मुनव्वर फारूकी और आयशा खान का एक प्रोमो सामने आया है। मुनव्वर फारूकी को आरके रूम में बुला के आयशा खान को वहीं पर बुलाया गया और आयशा खान ने जाते ही अपना एटीट्यूड दिखाना शुरू किया, जहां पर मुनव्वर ने बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं किया कि भाई मैं जानती नहीं, बहुत अच्छे से रिएक्ट किया, सलाम वालेकुम, नहीं वालेकुम तो भाई जवाब दिया तक नहीं है, बट फिर भी मुनव्वर ने बोला इट्स ओके। उसके बाद जो है आयशा खान ने सब चीज़ें बोली कि आप यहाँ पर शो से पहले, जो कि बोली थी कि आप यहाँ शो से पहले मुझे बोल के गए थे कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, यहाँ पर आप रिलेशनशिप में दिखा रही हैं, आपने मेरा ब्रेसलेट पहना था और आपने मुझे बोला था कि आप जो है जब मुझे मिस करेंगे तब आप मेरा ब्रेसलेट पहनेंगे, तब क्या उसके लिए ही ये सब चीज़ें थी? तो मुनव्वर ने बोला कि भाई मेरे पास काफ़ी सारी ज्वेलरी है, इसका मतलब ये नहीं था, और हाँ हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, पर मैं नहीं चाहता था कि इस जगह से जो है वो चीज़ बाहर जाए। मुनव्वर फारूकी पहले भी, जैसे कि अभिषेक की हालत देख के जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दिए थे, जब सीज़न की स्टार्टिंग वगैरह जब हुई थी तब उस वक्त भी लोगों को डाउट हो रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। मुनव्वर का तो सब चीज़ें ठीक है, पर आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? मुनव्वर फारूकी और नाज़िला का ब्रेकअप हो चुका है, ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। और तो और यहाँ पर आयशा ने ये भी बात बोल दी है कि तुम मुझे बोलते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मुनव्वर ने बोला यस आई डू। यहाँ पर मुनव्वर, जो कि प्रोमो जो है दिखाया जा रहा है, मुनव्वर ने एक्सेप्ट कर ली है चीज़, मुनव्वर ने ऐसा नहीं किया है कि भाई मैं नहीं करता, तू झूठ बोल रही है या ये है वो है, मुनव्वर ने बहुत ही अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया है, बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट किया है। पर आयशा जो है बहुत ही ज़्यादा हाइपर होकर ये बातें बोल रही है। अब जो है पॉइंट ये है, आयशा ने ये बात बोली कि भाई यहाँ पर मेरी और उसकी बात होती तो ठीक था, सम अदर वुमेन ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, यानी कि नाजिला और इसके बगैर कोई और लड़की भी इन्वॉल्व्ड है, जिसके बारे में सुन के जो है ऑलरेडी मुनव्वर फारूकी हैरान हो गए कि हाँ ये क्या चीज़ है। तो ये पॉइंट जो है अभी जब हम लोग एपिसोड देखेंगे तभी हम पता चलेगा कि आखिरकार ये बोलना क्या चाहती है, आखिरकार किस वुमेन के बारे में बात कर रही है, वो तो आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। पर यहाँ पर ये बात रही कि अगर आयशा खान को पता था कि भाई नाजिला का ब्रेकअप हो चुका है इसके साथ, मुनव्वर के साथ, और नाजिला के साथ भी तो इसने ऑलरेडी बात की होगी या नहीं की है, क्रॉस इंक्वायरी कर सकती थी, बात उसके दोस्तों से कर सकती थी, बट नहीं, इसने वो भी कोशिश नहीं की। इसको सिर्फ और सिर्फ अपना बिग बॉस में आने का चांस चाहिए था और इसीलिए आयशा खान बस बिग बॉस में मुनव्वर का नाम लेके भाई आ गई एक ट्विस्ट के साथ। और तो और अब अगर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, भाई थोड़ा तो समझते, थोड़ा कि ये बंदा कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है, ये बाहर आने के बाद मैं इससे पूछूंगी अगर इतना ही ज़्यादा तुम प्यार करती हो, अचानक ही तुम मतलब इतना बड़ा स्टेप लेने लग गई और मुनव्वर की धज्जियाँ उड़ाने के लिए सामने आ गई, तो भाई ये क्या प्यार है? हालांकि एपिसोड देखने के बाद ही सब चीज़ें पता चलेगी कि आखिरकार किसके रिएक्शन क्या थे और कौन कितना पानी में है, कौन कितना आखिरकार झूठ बोल रहा है और कौन कितना सच बोल रहा है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।